चोरी की वारदात लाटगंज थाना में सुपरमार्केट के पास स्थित ज्वेलरी शॉप पर हुई है, जहां पर कि अज्ञात चोरों ने एक के बाद एक तकरीबन 10 तालों को कटर से काटा और फिर दुकान में रखे हुए लाखों रुपयों को जेवरात सहित नकदी ले उड़े। चोरी की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधिकारी गोपाल खंडले सहित लाटगंज थाना के स्टाफ और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के सुपरमार्केट के पास स्थित पायल वाला शॉप जिसके संचालक सुनील कुमार जैन है। आज सुबह सुनील कुमार की बहन ममता जैन जी की स्कूल संचालिक है। वह जब सुबह स्कूल जा रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके भाई की दुकान के ताले कटे हुए हैं, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत ही अपने भाई को दी। जानकारी लगते ही सुनील कुमार जैन ने मौके पर पहुंचे और फिर चोरी की सूचना लाटगंज थाने में दर्ज करवाई। मौके पर पहुंचे SSP गोपाल खांडेल ने बताया कि दुकान के पीछे एक चैनल गेट है, उसका ताला काट कर फिर चोर अंदर गए हैं और फिर एक के बाद एक तकरीबन 10 तालों को काटते हुए दुकान के भीतर गए। पुलिस के प्रारंभिक जांच में लाखों रुपए का जेवरात सहित नकदी चोरी होना पाया गया है। चोर इतने शातिर थे कि दुकान में घुसते CCTV को बंद किया और फिर उसका DVR भी साथ ले गए। अतिरिक्त पुलिस ने अधीक्षक गोपाल पांडे ने बताया कि लाखों रुपए की चोरी हुई है। चोरों ने कई तालों को काट कर चोरी को अंजाम दिया है। जिस जगह पर ज्वेलरी की दुकान स्थित है वहाँ मेन रोड है, जहाँ की रात भर वाहनों का आना जाना होता है। इसके बाद भी चोरों के द्वारा एक के बाद एक कई तालों को काट कर लाखों रुपए की चोरी होने पर पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि SSP कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अब दुकान के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। पीछे साइड में एक इनका जो गेट है, चैनल गेट, उसका उन्होंने ताला काटा है और आगे घुस के फिर जितने भी ताले उनको काट कर और शोरूम में एंटर किया है और उसके बाद फिर चोरी की गई है।